सोलन में बाजार खुल चुके हैं। बाजारों में रौनक धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी है, जिसके चलते व्यापारियों के मुरझाए चेहरे खिलने लगे हैं। बाजार खुलने के समय को लेकर व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन अधिकतर व्यापारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों की माने तो लॉकडाउन के दौरान वे मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। दुकानों का किराया निकालना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन्हें इस संकट से मुक्ति दिला दी है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाजार तो खुल चुके हैं, जिसकी वजह से वे खुश हैं, लेकिन बाजारों में उतने ग्राहक नहीं हैं और आय बिल्कुल बंद है और वो धीरे धीरे ही ठीक होगी, जिसके चलते सभी व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वे घर में बैठकर मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, घर में समय निकालना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार के द्वारा दूरगामी सोच को रखते हुए उन्हें चिंता मुक्त किया गया है। कुछ दुकानदारों द्वारा समय सारणी को लेकर अपनी आपत्ति जरूर जताई गई। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को कुछ और समय दिया जाना चाहिए। देखिए जी, जो ये 9 से 2 का टाइम है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम टाइम है। देखो, जैसे हम ज्वेलर्स हैं, हमें देखो 1 से 1.5 घंटा सुबह दुकान लगाने में लगता है और 1 से 1.5 घंटा ही हमें वाइंड अप करने में लगता है। तो देखो, जो हमारा काम भी ऐसा है, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो हम चाहते हैं कि इस टाइम को बढ़ा के अगर 5 बजे तक कर दिया जाए या थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाए तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा जी। 9 से 2, देखो 9 बजे तो देखो हमारी दुकान में वैसे भी जो कस्टमर परचेजिंग करने आएगा वो 10 बजे आएगा जी, तो बेटर करते कि वो अगर 10 से 5 भी कर दे तो भी वो बेटर रहेगा जी। देखो, इस जैसे कि लोकल बसेस चल नहीं रही है जी, गांव का कस्टमर आ नहीं पा रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि बसें भी चलें, सब कुछ काम धीरे धीरे खुले जी, तो सबके लिए बेटर होगा। बेसिकली अभी जो शॉप्स का टाइमिंग बढ़ाया है सरकार ने, वो उससे क्या हुआ है कि छोटे छोटे जो कारोबारी थे उनको कोई मतलब थोड़ा सा उनका कारोबार बढ़ेगा, कुछ और भी ऐसे जो उनके शॉप्स पे काम कर रहे हैं उनको भी मतलब वेतन मिलेगा प्रॉपरली। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप है ये बढ़िया स्टेप है, बट इसका ऐसा भी नहीं है कि आम पब्लिक जो है वो ध्यान न रखे। कोरोना की बड़ी महामारी है तो उससे बचाव के लिए तो वो थोड़ा मतलब बिल्कुल शॉप्स में भी पूरा मतलब सामाजिक डिस्टेंस रखें, थोड़ा थोड़ा ऐसा रखें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजेशन यूज़ करें, मास्क प्रॉपर यूज़ करें। तो ये जो ढील हमें मिली है ताकि हम लोग ढंग से अपना काम काज कर पाएँ, थोड़ा मतलब सोसाइटी में ऐसा भी हो कि पैसे का फ्लो भी हो तो उसको भी मेंटेन रखें, लेकिन अपना जो जितना भी हेल्थ वाइज है उसका भी पूरा ध्यान रखें। बेसिकली बोले अभी तो जो लॉकडाउन था, जितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे थे उस हिसाब से तो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। अगर वो लॉकडाउन ना होता तो ऐसा भी था कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अभी उस लॉकडाउन की वजह से थोड़े केसेस कम भी आए हैं, जो एक सराहनीय स्टेप है। मैं ये बोलता हूँ, मैं कह रहा कि व्यवसाय भाई सब चले ना चले, पर एक बार दुकानों में तो बैठेंगे ना, टाइम तो पास होगा हमारा, ये है मेन। तो जैसे अभी दुकानें बंद थी, लॉकडाउन था, तो क्या आपको समस्या आ रही है? भाई साहब, समस्या ये थी सबसे पहले तो घर पे बैठे रहो, ठीक है जी। अगर हम 500-1000 रुपये भी दुकान में सेल करेंगे तो हमारी जेब में आएगा ना वो, वैसे तो हम खाली बैठे हैं। सरकार का तो धन्यवाद है ही है, देखो जयराम जी ने मतलब कि पूरा कोऑपरेट करा है व्यापारियों को। तो हम धन्यवाद करते हैं जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए योजना बनाई, अपना समय दिया और व्यापार दोबारा शुरू किया, उनका बहुत बहुत सभी की ओर से धन्यवाद है। वो जैसे कि दुकानें बंद थी और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आपको समस्याएं क्या आ रही थी? देखिए जी, समस्याएं तो सभी थी और नहीं भी थी, क्योंकि घर में बैठ के वैसे भी व्यापारी का मन नहीं लगता, और अगर व्यापार खुलेगा तो कोई ना कोई खर्चा चलेगा, क्योंकि सरकार से तो किसी भी चीज़ की माफ़ी नहीं थी, ना बिजली के बिल की, ना पानी के बिल की, किसी भी चीज़ की नहीं। अब व्यापारी ने तो अपनी सब इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है, बिजली बिल भी देना है, पानी बिल भी देना है, तो कुछ ना कुछ खर्चा तो निकलेगा ही जी, काम हो ना हो, पर थोड़ा काम कुछ ना कुछ खर्चा तो निकलेगा ही। तो देखिए, जिस तरह से अभी 1 महीना बंद रहा था तो लोगों को भी अपना सामान कुछ ना कुछ घर में ख़त्म हो ही जाता है, तो वो बिल्कुल आएंगे बाज़ार। लेकिन हम आम जनता से यही आग्रह करते हैं कि बिल्कुल आवश्यक जिन्हें सामान चाहिए वही बाज़ारों में उतरें। काफ़ी दुकानदारों के काम और रोज़गार रुके थे, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा था, और जो छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को उनकी जो इनकम थी वो रुक गई थी, और इतना काफ़ी अच्छा स्टेप रहा गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं इसके सपोर्ट में हूँ पूरा।
और क्या समस्याएं आपको आ रही थी, जैसे आपका भी व्यवसाय है तो क्या आपने समस्याएं देखी और जैसे लॉकडाउन के दौरान? रेंट वगैरह का काफ़ी इशू हो रहा, रेंट एक काफ़ी ऐसा बड़ा अमाउंट है जो कि पे करना ही पड़ रहा है, और दुकान खुलने से हमारा जो होगा रेंट वो निकलेगा।